Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like. नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल माय ट्रिक्स क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैली को। तो टैली को करने से पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि हमें अकाउंटिंग आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम थोड़े लेक्चर अकाउंट्स के सीखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक आएगा तभी हम टैली कर पाएंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करते हैं कि टैली की ज़रूरत पड़ी क्यों। जैसे कि पहले टाइम था कि बिजनेस छोटे होते थे, तो हम बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कॉपी या बुक्स लगा लेते थे छोटी सी, उसमें लिखा करते थे कि कौन सा पैसा आया, कहाँ से आया, कैसे गया, कितना एक्सपेंसेस, कितनी इनकम आई, तो वहाँ पे लिख लिया जाता था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया, ट्रांजेक्शन भी बढ़ती गई, तो वो बुक्स में रखना थोड़ा टफ हो गया। तो वैसे वो धीरे 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 ट्रांजेक्शन जैसे बढ़ी तो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बनने लगे। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर जैसे लाइक टैली, सैप, मार्ग, लॉजिक एटसेट्रा, ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटराइज अच्छे से बिजनेस की ट्रांजेक्शन रखी जा सकती है जिसमें। तो आज का जो टाइम है सारी ट्रांजेक्शनें कंप्यूटराइज रखी जाने लगी, ईजी तरीके से रखी जा सकती है, बिजनेस की जितनी भी पोजीशन अच्छे से रिकॉर्ड रखी जा सकती है, कहाँ से कितना पैसा आया, कितना गया, वो अच्छे से कंप्यूटराइज रखे जाना लगा। तो धीरे धीरे जैसे ट्रांजेक्शन की जो बढ़ती गई वैसे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर भी आने शुरू हो गए। तो आज से हम जो टैली स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले अकाउंटिंग को आना जरूरी है। तो अकाउंटिंग मैं अकाउंटिंग के लेक्चर लूँगा, आपने ध्यान से पढ़ना है, जो टर्म्स होंगे अच्छे से सीखेंगे, फिर हम टैली स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अकाउंटिंग। देखो जैसे बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग का तो ये है कि एक तो हम बिजनेस की पोजिशन को हम रख सकते हैं कि कितना पैसा आया, कहाँ से गए, हम खुद पर्सनली देख सकते हैं। बिजनेस मैन जो होता है वो खुद देख सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, कितने एक्सपेंसेस, कितनी इनकम आई, कहाँ से पैसा आया, बैंक में कितना जमा करवाया, कितना विड्रॉ करा, वो पर्सनली देख सकता है। उसी तरह एक टैक्स रिटर्न भी भरनी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने टैक्स भी देना होता है, तो वो टैक्स भी बना सकते हैं। तो ही अकाउंटिंग यूज़ की जाने लगी, ताकि एक बिजनेस मैन को खुद को तो पता लगे कि वो प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, उसके बिजनेस कौन सी पोजिशन पर है, तो अकाउंटिंग का यूज़ किया जाने लगा। ट्रांजेक्शन तो फिर वो टैली में रखी जाने लगी, वो धीरे 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 जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ती गई, टफ होता गया वो कॉपी वगैरह में लिखना, तो ही जो वो कंप्यूटराइज सिस्टम थे, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर थे, तब ही यूज़ किए जाने लगे। तो एक तो हम पर्सनली देख सकते हैं जो बिजनेसमैन है कि कितने लेन देन हुआ, दूसरा कि जो टैक्स बनाना होता है उसकी जो रिटर्न बननी होती है उसके लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले ये आगे लुका पाशोली, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले अकाउंटिंग बनाई थी। तो चलिए आगे करते हैं। उसके बाद ये पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बता रहा है, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस क्या होता है, मतलब कौन यूज़ करता है, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन यूज़ करता है। एक ओनर से लेके एक सिंगल एम्प्लॉयज़, कस्टमर एम्प्लॉयज़, सप्लायर, बैंकर, ये सारे के सारे अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे मनी यूज़ होगी वहाँ पे अकाउंटिंग यूज़ होती ही होती है, मतलब उसे ही अकाउंटिंग बोला जाता है। चलिए आगे करते हैं। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस क्या होता है, ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, ये ट्रांजेक्शन है सारे के सारे। तो ये करता कौन है, जो आप अभी सीख रहे हो, अकाउंटेंट करता है। और इससे क्या क्या फीडबैक मिलते हैं, अकाउंटिंग को करने से क्या क्या फीडबैक मिलेंगे। एक तो कैश स्टेटमेंट फ्लो बनाई जाती है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी, इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा, टैक्स रिटर्न बनाई जाती है, बिजनेस की पोजीशन देखी जाती है कि बिजनेस कहाँ पर बिलोंग किया जाता है। तो चलिए ये सारी की सारी फीडबैक हम अकाउंटिंग से ही लेते हैं। आगे करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बोलता अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन क्या होती है, मतलब आम भाषा में अकाउंटिंग बोलते किसे है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं बोल लेता हूँ कि जब भी बिजनेस के लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका सारांश बनाते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, पहचान करते हैं, उसको ही अकाउंटिंग बोला जाता है।
ये क्या बोलता है, काउंटिंग इज द डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन इन द मॉनेटरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी भाषा है कि ये बता रहा है कि बिजनेस के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसकी पहचान करना, उसके रिकॉर्ड लिखना, उसका सारांश बयान बनाना, व्याख्या करने को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है जी, आगे करते हैं। फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो ईयर होते हैं हमारे दो टाइप से होते हैं, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक तो कैलेंडर ईयर आ गया, जो आप सभी को पता होगा कि जनवरी टू दिसंबर तक होता है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर के ही बीच में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में ही हम बिजनेस की पोजीशन को देखते हैं। ये तभी बनाया गया हुआ है क्योंकि बिजनेस की पोजीशन को देखना होता है, कितना पैसा आया, कितनी ट्रांजेक्शन हुई साल में, प्रॉफिट कर रहा है बिजनेस या लॉस कर रहा है। सारे सारे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है और न्यू खाते चढ़ाए जाते हैं। तो ये 1 अप्रैल का हमारा एक पीरियड दिया हुआ है ताकि एक बिजनेस की जितनी भी पोजीशन है उसको देखा जा सके। ये एक साल होता है, जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका एक उसकी जो रिजल्ट होता है वो 31 को देखा जाता है, यानी कि एक साल के बीच में देखा जाता है कि साल में कितनी प्रोग्रेस की उस बच्चे ने। उसी तरह जो हमारा साल होता है फाइनेंशियल ईयर, इसी बीच में देखा जाता है कि बिजनेस कितनी तरक्की कर रहा है, लॉस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर बनाया गया हुआ है। नेक्स्ट करके देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए। बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। बेसिक टर्म्स होते क्या क्या, कि टर्म्स का मीनिंग होता है कि हम जैसे कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग करने से पहले हमें नॉलेज होना चाहिए बेसिक। क्लच किसे बोलते हैं, है ना, एक्सीलेटर किसे बोलते हैं, गियर किसे बोलते हैं, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह अकाउंटिंग को करने से पहले भी हमें टर्म्स पता होना चाहिए, अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो वही कर रहे हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल, मैक्सिमम बच्चे तो यही बोलेंगे सर कैपिटल राजधानी होती है, कैपिटल जो लेटर लिखे जाते हैं कैपिटल उसे बोला जाता है। बट कैपिटल जो अकाउंट्स की लाइन में, कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। आप समझ गए होंगे कि पूंजी क्या होती है। पूंजी यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे से लिखी हुई कि एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर्स या फिर ओनर, यानी कि इन्वेस्टेड लगाना, लगाना जिसे बोलते हैं। बोलते हैं बिजनेस में जब भी कुछ भी इन्वेस्ट किया जाता है, एसेट्स होगी, पैसा होगी, गुड्स हो गया, कुछ भी बिजनेस पे लगाया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। पर किसके द्वारा, मालिक के द्वारा। प्रोपराइटर्स मालिक होते हैं, ओनर भी मालिक होते हैं। जब भी कोई भी पैसा मालिक के द्वारा बिजनेस पे लगाया जाता है, एसेट्स होगी, गुड्स होगी, उसको कैपिटल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कोई भी उसमें जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा उसको कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग। ड्राइंग आर्ट नहीं होता है, जो कला वगैरह बोलते हैं उसको नहीं बोला जाता है। इसको भी अकाउंट्स की लैंग्वेज में हिंदी में बोला जाता है आहरण, आहरण बोला जाता है। बट ये होते कौन सी चीज़ है, इसको पढ़ने से पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। ड्राइंग वो पैसा होता है या वो वस्तुएँ होती है या फिर वो संपत्ति होती है, कैश, गुड्स, वस्तुएँ, एसेट्स, संपत्ति, जो निकाली जाती है मालिक के द्वारा, मालिक के द्वारा बिजनेस से निकाली जाती है अपने घरेलू यूज के लिए। घरेलू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ। जब भी कोई भी पैसा, गुड्स या एसेट्स बिजनेसमैन निकालता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, उसको बोला जाता है ड्राइंग। ठीक है जी, पर बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, घर के यूज़ के लिए। जैसे लाइक मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस का ओनर हूँ तो मैंने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। अपने बेटे की पढ़ाई पर्सनल, डोमेस्टिक या प्राइवेट, तीनों यूज़ घरेलू यूज़ कहलाते हैं, पढ़ाई के लिए निकाला तो वो ड्राइंग कहलाएगी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि बेटे को पढ़ाना है मैंने। अगर मान लीजिए वही पैसा अगर मैं बिजनेस से निकालता हूँ और बिजनेस पे ही लगा देता हूँ, उसे ड्राइंग नहीं कहेंगे, उसे ड्राइंग नहीं कहेंगे। ड्राइंग सिर्फ वही कहलाएगी जो पर्सनल, प्राइवेट या डोमेस्टिक यूज़ के लिए होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बता रहा है कि बिजनेस एंड इट्स ओनर आर सेपरेट पर्सन। तो याद रखना, जब भी बिजनेस होगा और बिजनेसमैन होगा वो सेपरेट माने जाते हैं, सेपरेट मीन अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ड्राइंग। जब भी बोलता है वैल्यू, कैश की वैल्यू, गुड्स या एसेट्स निकाले जाते हैं ओनर के द्वारा बिजनेस से, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। बट एक लाइन आप जोड़ लेना, किसके यूज के लिए, फॉर
पर्सनल डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है जी। ड्राइंग का जो अमाउंट होता है वो कैपिटल के अमाउंट से निकाला जाता है, कैपिटल के होते हैं ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, नोट भी लिखा हुआ है। नोट क्या होता है, इन ड्राइंग्स ट्रांजेक्शन ओनर इज रिसीव फॉर वैल्यू ऑफ वैल्यू फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि ड्राइंग की जो ट्रांजेक्शन होती है वो ओनर रिसीव करता है उसकी वैल्यू बिजनेस से, ठीक है। ओके जी, आज के लिए बस इतना, कल नेक्स्ट टर्म्स करवाऊंगा, धीरे धीरे टर्म्स करवाऊंगा, जैसे टर्म्स न्यूमेरिक चल पड़ेंगे तो मैं टैली यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि टैली को करने के लिए पहले आपको अकाउंट्स आना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा था थोड़े से टर्म्स, तो कल मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर धीरे धीरे एक दो तीन तीन टर्म्स करवाता रहूँगा ताकि आपका बेसिक स्ट्रोंग हो जाए, फिर टैली आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट करेंगे कल। तो जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, और हो सके तो अच्छे से लिखना, नोट्स बना लेना, मैं डीपली करवा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ और डीपली करवा रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।